विधायक केसर सिंह गंगवार ने पत्रकारों के साथ की प्रेस वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के अंतर्गत आने वाली तहसील नवाबगंज क्षेत्र से आ रही है। आपको बता दें कि दिनांक 5/1/2021 को विधायक केसर सिंह गंगवार ने पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने 2020 के कार्यकाल में जितने भी विकास कार्य कराए हैं, उन्होंने बताया कि हमने अपने वादे पूरे किए और साथ ही साथ बताया कि 2021 में सेंथल का मार्ग चौड़ीकरण कराया जाएगा तथा अमीरनगर में 1.5 करोड़ की लागत से पुल बनवाकर गांव की समस्या को दूर किया। प्रेस वार्ता करते हुए ये भी बताया कि हमने कई गांव की समस्याओं को दूर किया है तथा क्षेत्र में कई दर्जनों गांव के मार्गों से जोड़ा है। साथ ही साथ पार्टी के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मंडल अध्यक्ष रविशंकर गुप्ता, राजू गंगवार, सोनू गंगवार, मनोज शर्मा, रविंद्र गंगवार, कपिल कुमार शर्मा मौजूद रहे। संवाददाता सरताज हुसैन के साथ मैं विमलेश शर्मा, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज। हर खबर आप तक। ये मैं समझता हूँ 17-18 साल पहले कभी बाढ़ आई और बाढ़ में वो पिचिंग भी चली गई, पुल भी चला गया और वहाँ पे बेचारे बहुत घूम के लोग, अब तो खैर रोड बनवा दी थी, उधर से भी रोड बन गई चलने की, लेकिन वो गांव हमारा अलग थलग, जैसे बुलरडंडी गांव हमारा पीलीभीत में लगता था, पीलीभीत का गाँव नवाबगंज का नहीं, ऐसे ही वो गांव भी ये लगता था कि हमारा गाँव नहीं है, पीलीभीत का गाँव, लेकिन वहाँ पर पुल वो भी काम जो है 14 तारीख को खिचड़ी भोज मकर संक्रांति वाले दिन मिट्टी विट्टी का सॉइल टेस्ट वगैरह सब आ गया, सब कंप्लीट हो गया, वो करने वाले थे। मैंने कहा यार मकर संक्रांति वाले दिन शुरू करो तो मकर संक्रांति को वो भी काम शुरू हो जाएगा। ऐसे ही पूरा ताराचंद हमारे 18.5 करोड़, ऐसे ही हमारा जो है वो हमसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अपने विधानसभा में एक पर्यटक स्थल मांगा था कि उसका सौंदर्यीकरण करवा दिया जाए, तो हमने कई लोगों से अपने पार्टी के लोगों से पूछा तो हमें लोगों ने एडवाइस करा कि रिछोला में जो सुखराम धाम राजस्थान जयपुर जहाँ कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है वहाँ पे, उसी को अगर सौंदर्यीकरण करा देंगे तो बढ़िया रहेगा। तो फिर हमने उसी को स्वीकृत अपना जो करा दिया दे दिया था, तो ये हमारा पर्यटन विभाग ने इसमें एस्टीमेट हमारा स्वीकृत हो गया, 50 लाख रुपये वो हमारा पर्यटन सुखराम धाम मंदिर के लिए स्वीकृत हो गया, वहाँ हमारा काम शुरू होने का। आपका कुलड़िया वाला जो रोड था वो हीरा लाल अब आराम से रह रहे हैं, इनके गांव में तो बहुत पैसा लगा रहा रोड का, बहुत बहुत छोटी दीवारें बनाई गई हैं, तो वो रोड भी हमारा मैं समझता हूँ कि स्वीकृत हो गया और स्वीकृति नहीं हो गया, वो समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, 1-2 महीने में उसका काम समाप्त हो जाएगा और बहुत बढ़िया रोड वो भी बन गया है। ऐसे ही हमारा एक कुलड़िया से अहरोला के लिए रोड हमारा हमने स्वीकृत कराया था, उसमें 4.25 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी विभाग में आ भी गया और वहां टेंडर हुए वो दो ठेकेदार लड़ ये गए कि जिसका टेंडर होना चाहिए उसे न देकर अधिकारियों ने दूसरे को दे दिया और दूसरे को जो दे दिया जिसे मिलना चाहिए था, जिसका लो टेंडर था वो चला गया हाईकोर्ट और हाईकोर्ट से यथास्थिति का स्टे किया है।